आपके साथ मैं हूं अनुजा। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस इस बार कुछ अलग कर रही है। प्रत्याशियों को मैदान में उतारने से पूर्व कांग्रेस उनका इंटरव्यू लेगी और इसमें पास होने पर ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी शुक्रवार को, शनिवार को और प्रयागराज में रहेगी। वह सिविल लाइन स्थित एक होटल में टिकट के लिए दावेदारी करने वालों से कुछ सवाल पूछेगी। इसके बाद कमेटी बंद लिफाफे में स्क्रीनिंग का परिणाम पार्टी हाईकमान को भेजेगी। वह प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पहली बार टिकट मांगने वाले से आवेदन मांगे हैं और साथ ही दावेदारों से पार्टी फंड में 11,000 रुपए की धनराशि जमा कराया है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई थी। इस बीच प्रयागराज के 12 विधानसभा सीटों से कुल 68 लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी ठोकी और इसमें 10 महिलाएं और शेष पुरुष इस सभी से पार्टी फंड में धनराशि भी जमा कर दी है। बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इस बीच कांग्रेस पार्टी लगातार दौरे और प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अब उम्मीदवारों के लिस्ट भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया जा सकता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।